Next, may I invite His Excellency the Prime Minister of India, Narendra Modi, to deliver his opening remarks. Her Excellency. Your Excellency, Prime Minister Prayut Chan-o-cha, Excellencies, Your Majesty. I am very pleased to meet you once again in the India-ASEAN format. I thank Thailand for the excellent arrangements made and for the top-class hospitality that has been provided to us. I also convey my best wishes to Vietnam. Excellencies, मैं भारत और आसियान के बीच इंडियो पैसिफिक आउटलुक के आपसी समन्वय का स्वागत करता हूं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे इंडो पैसिफिक विजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। आसियान हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मर्म है और सदैव रहेगा। इंटीग्रेटेड, संगठित और आर्थिक रूप से विकासशील आसियान भारत के बुनियादी हित में है। हम और मजबूत सरफेस, मैरिटाइम और एयर कनेक्टिविटी तथा डिजिटल लिंक के माध्यम से अपने साझेदारी को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिजिकल एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए $1 बिलियन की भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट उपयोगी होगी। हमारा इरादा अध्ययन, अनुसंधान, व्यापार और टूरिज्म के लिए लोगों के आवागमन को बहुत बढ़ाने का है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत आसियान के साथ आपसी हितों के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के लिए तैयार है। पिछले साल कमेमोरेटिव समिट तथा सिंगापुर में इनफॉर्मल समिट के लिए गए निर्णयों को लागू करने से हमारे बीच और घनिष्ठता आई है। कृषि, विज्ञान, रिसर्च, आईसीटी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में कैपेसिटी बिल्डिंग और पार्टनरशिप को और बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। मैं हाल ही में आसियान इंडिया एफटीए की समीक्षा के निर्णय का स्वागत करता हूं। इससे हमारे आर्थिक संबंध न सिर्फ और मजबूत बनेंगे बल्कि हमारा व्यापार भी और बैलेंस होगा। मैरिटाइम सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और मानवीय सहायता के क्षेत्रों में भी अपने साझेदारी को हम मजबूत बनाना चाहते हैं। योर एक्सलेंसी के विचारों को सुनने के बाद मैं कुछ पहलुओं पर विस्तार से बात करना चाहूंगा। मैं फिर एक बार थाईलैंड का और आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।